ये माला जो है ना, ये माला पहनने के बाद में हम लोगों की जिम्मेदारी और बढ़ जाती है। इसको पहनने के बाद ऐसा नहीं कि फोटो खिंचा के टांग दी, जब आप माला पहन लोगे जरूर आपकी फोटो दे देंगे, कल को पूछेंगे अरे वही नहीं बढ़ जाती है, हमें आने वाले कल को और अच्छा सा बेहतर से लगन से मेहनत से निष्ठा से और समाज कृपया ना देखे। जो ईश्वर है, अल्लाह है, गॉड है, परमेश्वर है, वो जरूर देखता है, उसका फल जरूर मिलता है। नौजवानों को जिनकी उम्र कम है उनको लगता है कि अभी एसआई साहब इतना मेरा मुझे माला नहीं मिलता है, बिलीव करिए देवरिया में आने से पहले ठीक मैं इसका दोगुना ज्यादा अच्छा काम करता था, लेकिन कभी एक फूल भी नहीं मिला। मैं देवरिया को कभी देवरिया नहीं लिखता, मैं देवभूमि लिखता हूँ, कहता भी देवभूमि हूँ, मेरा कोई ऐसा पोस्ट नहीं होगा, कोई ऐसी बात नहीं होगी, देवभूमि के आम जनमानस को प्राप्त करने से शुरुआत होती है और मेरे लिए देवभूमि है रहेगी। सौभाग्यशाली होगी यहाँ देवभूमि में, यही भी जन्म ली हो आप लोग, यहाँ की ऐसी मिट्टी है, यहाँ की ऐसी हवा है, ऐसा यहाँ का पानी है, यहाँ की सारी आबो हवा ऐसी है, आप लोग इस देश की अच्छे हो। मैं देवरिया में आके इतना अच्छा होगा, आप लोग जन्म से ही अच्छे हो तो उससे ज्यादा अपने काम को करते रहिएगा, इसके एवज में ईश्वर जब देगा तो उस इज्जत को, प्रतिष्ठा को, मान को आप नहीं पाओगे। मेरे साथ मानस जी आ रहे थे, मैं मानस जी को याद दिला रहा था, नौजवान है और मैं मानस जी को याद दिला रहा था कि मानस जी देखिए मैं सच में 48 घंटा काम करने के बाद तक मेरी तुलना चालू हो। जो भी कोरोना के खिलाफ हमारे साथ में कदम से कदम मिलाकर चल रहे हैं, उन सभी छोटे भाइयों, बड़े भाइयों और अभिभावकों को हमारी संस्था के द्वारा सम्मानित किया गया है। जो भी देवरिया में जरूरतमंद तक भोजन पहुंचाने का काम करता है, यहाँ तक कि एक गिलास पानी तक पिलाने का काम करता है, उन हर एक नौजवानों और अभिभावकों को यहाँ पे इस मंच के द्वारा ब्राइट सोसाइटी के तत्वाधान में उनको सम्मानित करने का कार्य किया गया है। क्या नाम पड़ेगा आपका और ये जो सम्मान मिल रहा है उसके कारण क्या? मोहम्मद इसराफिल अली और गब्बर हमारा नाम है, होलसेल हम फल व्यवसायी हैं और ये सम्मान राइट फ्यूचर की तरफ से कोरोना फाइट के युद्ध में मिल रहा है। हमें माननीय मोदी जी से एक सीख मिली और उनकी एक बात से मैं भरपूर प्रभावित हूँ। आसपास उन्होंने कहा कि 5 घरों की मदद कीजिए, यही बात हमारे दिल को बहुत भा गई और हम लोग एक टीम बना के निकल गए सहरसा गांव-गांव में गरीबों की मदद करने के लिए। भूखों को खाना और प्यासों की पानी की व्यवस्था अभी तक की गई है और आगे भी ये कार्य चलता रहेगा जब तक लॉकडाउन है। जब तक कोरोना खत्म ना हो जाए तब तक हम लोग कोरोना के पीछे दौड़ते रहेंगे और कोरोना को खत्म करके ही दम लेंगे। हिंदुस्तान जिंदाबाद। आज के युवाओं को आप क्या संदेश देना चाहते हैं? संदेश यही देना चाहेंगे, 2 रोटी हो अगर पड़ोसी भूखा हो तो 1 रोटी दे दो। हम अपने युवाओं को यही प्रेरणा देंगे और मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा, जय हिंद। जो कोरोना संक्रमण का संस्थापक हैं उनके द्वारा सम्मान समारोह रखा गया है। जो लोग कोरोना से लड़ रहे हैं और जरूरतमंदों को जो आवश्यकता है उनकी उसकी पूर्ति कर रहे हैं, वो साहस दे रहे हैं लड़ने के लिए, उसमें जो है जितने वॉरियर्स हैं कोरोना वॉरियर्स उनको आज सम्मानित किया गया। बहुत अच्छा लगा, प्रेरणा मिली, साहस मिला और जो सम्मानित हुए हैं वो दुगनी साहस के साथ जब तक कोरोना समाप्त नहीं हो जाता है तब तक लड़ने का काम करेंगे और सबको साहस प्रदान करेंगे ताकि एक भी व्यक्ति भूखा न मरे और साहस न हारे, कोरोना से भयभीत न हो।